वेलकम टू द टैक। मुझे यहाँ होती है सीधी बात, नो बकवास। इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ी दुर्घटना घट चुकी है, हो चुका है पबजी बैन। हम लोग बहुत ही ज्यादा पबजी खेलते थे, मैं भी पर्सनली डेली 2-3 घंटे आराम से पबजी खेलता था, मस्त बिंदास लोगों को 20-30 किल करता था, पूरा फुल्ली मजा आता था। बट अब 2-3 घंटे क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अब क्या चलाएंगे। पबजी के साथ में 118 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है, कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन सबको बैन किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रीजंस दिए थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे, मैं सभी एप्लीकेशंस को यहाँ पर नाम लेकर नहीं बता सकता क्योंकि 118 एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट उनमें से मेन एप्लीकेशंस में से एक जो है वो है पबजी, सबका प्यारा दुलारा। बस बहुत से लोग तो पबजी की वीडियो बनाते थे जो यूट्यूब पर डाल करके काफ़ी अच्छे नहीं कर रहे थे, उनके YouTube के चैनल चल रहे थे, बट अब वो लोग कहीं ना कहीं स्विच हो जाएंगे दूसरे गेम्स पर। उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। PUBG कल शाम को ही बैन किया गया था, बट अभी तक प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर से अभी तक इसे डिलीट नहीं किया गया है। मे भी हो सकता है कल तक या फिर आज रात तक इसे यहां से हटा दिया जाए, फिर उसके बाद में जो इंडियन यूजर्स होंगे वो इसे डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे। और हमारे जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, जो हमारे ISP सेंटर्स हैं, उन लोगों को भी इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं कि अब PUBG जैसी एप्लीकेशंस और जो चाइनीज एप्लीकेशंस हैं उन सबको इंटरनेट प्रोवाइड कराना बंद कर देना है। वो हमें कोई भी इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिलने वाला है उन एप्लीकेशंस के ऊपर। PUBG जो आपके फोन में है आप उसे डिलीट ही कर दें तो बेहतर रहेगा, 1-2 GB आपकी स्पेस बच जाएगा आपके स्मार्टफोन में से। और बाकी की सभी एप्लीकेशंस को जो चाइनीज एप्लीकेशंस हैं उन्हें भी अनइंस्टॉल कर ही दे, क्योंकि धीरे धीरे सभी के सभी एप्लीकेशंस को इंडिया बैन ही कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने इंस्टाग्राम पर पोल किया था कि क्या PUBG बैन होना सही है या फिर गलत है, तो 60% लोगों ने बोला कि ये सही है बैन होना, 40% लोगों ने बोला कि बैन नहीं होना चाहिए। पर्सनली जो मुझे लगता है वो ये है कि बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ मेजर वो हमसे एक्सेस नहीं लेता है जिससे हमारी सिक्योरिटीज को कुछ इशू होगा, इसीलिए ये बैन नहीं होना चाहिए था। बाकी मैं सपोर्ट करता हूँ अपनी इंडियन गवर्नमेंट को, अगर उन्होंने डिसीजन लिया है तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लिया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप कौन सा गेम खेलने वाले हो मुझे कमेंट में जरूर सजेस्ट करना, मैं भी उस गेम को ट्राई करूंगा। तो ऐसी ही टेक न्यूज पाने के लिए और बहुत सारे गिव अवेज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।